हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एड्यूज। मैं साहिल सिंह, रीजनिंग फैकल्टी। आज हम लोग कैलेंडर के दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके पहले टॉपिक पर चर्चा हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने ये पता किया था कि किसी का भी बर्थडे जो होता है उसका डे क्या होना चाहिए। मतलब कि जैसे हमारी जो स्वतंत्रता दिवस है वह 15 अगस्त है, आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947। ये तो डेट सबको पता रहता है, लेकिन 15 अगस्त 1947 की दिन क्या थी, डे क्या था, ये हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में कर चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने, उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक में है ये कि सेम डेट पर यहाँ पर आपको एक डे दिया रहेगा और उसी सेम डेट पर साल भर एक साल ज़्यादा यानी कि आगे बढ़ना है या पीछे बढ़ना है तो फिर उसका डे क्या होगा। आप जानते हैं कि किसी भी एक जनरल ईयर से जब हम किसी दूसरे जनरल ईयर में जाते हैं और वो भी सेम डेट में, तो उसमें मात्र एक दिन की वृद्धि हो जाती है, या पीछे जाते हैं सेम डेट पर तो फिर उसमें क्या होता है कि एक दिन की कमी हो जाती है। तो यही हम लोग आज इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे एक दिन बढ़ जाती है, कैसे एक दिन कम हो जाता है। फिर उसी प्रकार दूसरी इसमें एक रूल है कि जब हम किसी भी एक वर्ष से दूसरे वर्ष में आगे बढ़ते हैं और उसमें फरवरी का 29वां दिन, किसी भी अगर लीप ईयर शामिल होता है और उसमें भी फरवरी का 29वां दिन शामिल होता है तो उसमें 2 दिन की वृद्धि या कमी हो जाएगी। मतलब किसी भी एक डेट से एक वर्ष आगे दूसरे हम लोग ईयर में जाते हैं तो उसमें अगर फरवरी का 29वां दिन शामिल हो रहा है उस एक वर्ष के दौरान, तो उसमें आपका क्या होगा, 2 दिन का यहाँ लफड़ा होगा, यानी कि 2 दिन या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर आगे बढ़ना है तो 2 दिन बढ़ेगा और अगर पीछे जाना है तो उसमें 2 दिन की कमी होगी। तो इसी पर हम लोग बहस करने वाले हैं। लेकिन अगर फरवरी का अगर उसमें लीप ईयर शामिल होता है और उस लीप ईयर का फरवरी का 29वां दिन शामिल नहीं होता है तो लीप ईयर शामिल होने के बावजूद भी क्या होगा कि उसमें आपका वो जनरल ईयर के जैसा बिहेव करेगा। मतलब एक ही दिन का लफड़ा होगा, एक दिन आगे बढ़ेंगे अगर आगे बढ़ना है तो, या एक दिन पीछे जाएंगे अगर पीछे जाना है तो। तो लेकिन मेन यहाँ मुद्दा क्या है कि फरवरी का 29वां दिन उसमें शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चाहे वो लीप ईयर हो या नहीं हो। अगर लीप ईयर होता है तो फिर वहाँ पर ये आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि फरवरी का 29वां दिन, उस लीप ईयर का फरवरी का 29वां दिन क्या शामिल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वह जनरल ईयर के जैसा बिहेव करेगा। अगर वो शामिल हो रहा है फरवरी का 29वां दिन तो फिर आपका वो लीप ईयर के जैसा बिहेव करेगा, और लीप ईयर के जैसा बिहेव करेगा तो आप जानते हैं कि 366 दिन उसमें शामिल होंगे, यानी कि एक साल में 366 दिन शामिल होगा और 366 दिन का ऑड डे जो देखा जाएगा वह आपका 2 दिन होगा। तो 2 दिन उसमें या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 12 जून 2005 को मंडे है तो देन 15 जून 2006 को कौन सा डे होगा। तो अब सोचिए बंधु, यहाँ 2005 से 2006 में जाना है और वह भी सेम डेट में। 12 जून यहाँ है, 12 जून यहाँ भी है। तो जब 12 जून 2005 से हम 12 जून 2006 में जाते हैं तो यहाँ भी कहीं भी लीप ईयर नहीं शामिल हो रहा है, तो फरवरी के बारे में सोचना ही नहीं है। तो फिर 12 जून 2005 से 12 जून 2006 तक इसमें 365 दिन शामिल होगा और 365 दिन में आप जानते हैं कि 52 सप्ताह और इसमें एक दिन हो जाता है। तो 52 सप्ताह तो 7 के मल्टीपल में है, उतना ही दिन वही दिन आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक दिन ऑड हो जाता है तो फिर उसमें क्या होगा, यहाँ +1 करेंगे। +1 क्यों करेंगे, क्योंकि हम 2005 से 2006 में जा रहे हैं तो यहाँ पर +1 करना होगा। आपको पहले ही रूल हमने बताया कि जब भी किसी वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं और वह भी एक वर्ष आगे बढ़ते हैं और उसमें फरवरी का 29वां दिन शामिल नहीं होता है, यानी कि लीप ईयर उसमें नहीं आता है, तो फिर एक दिन की वृद्धि हो जाएगी, या हम पीछे जाएंगे तो उसमें एक दिन की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमको आगे जाना है और इसमें लीप ईयर शामिल हो ही नहीं रहा है। जब लीप ईयर शामिल नहीं हो रहा है तो फिर फरवरी के बारे में सोचना ही नहीं है, तो बस इसमें एक दिन का लफड़ा होगा, यानी कि एक दिन हमको आगे बढ़ना है।
तो मंडे से में एक दिन हम आगे जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्यूजडे हो जाएगा, मंगलवार ट्यूजडे हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जैसे कह रहा है 25 अक्टूबर से यानी 25 अक्टूबर 1952 को मंडे होता है, दिन 25 अक्टूबर 1953 को कौन सा दिन होगा, मतलब 25 अक्टूबर 1952 को मंडे हो रहा है यानी कि सोमवार, तो फिर 25 अक्टूबर 1953 को कौन सा दिन होगा। आप यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग 1992 से 1953 में जा रहे हैं, साल भर आगे बढ़ रहे हैं, एक साल आगे यहां पर बढ़ रहे हैं। अब यहां लीप ईयर देखा जाए तो 53 तो लीप ईयर नहीं है, लेकिन 1952 क्या है, लीप ईयर है, तो यह लीप ईयर है। तो अब हमारा मेन मुद्दा है तो क्या इस 1952 का फरवरी का 29वां दिन शामिल हो रहा है, इसमें शामिल नहीं हो रहा है, कैसे। अब यहां देखेंगे कैसे कि 1952 में आप अक्टूबर से आगे बढ़ रहे हैं, 52 से हमको 53 में जाना है, तो सोचिए हमको आगे बढ़ना होगा। तो इस ईयर में हम देखते हैं तो अक्टूबर से आगे बढ़ेंगे तो नवंबर शामिल होगा, फिर से दिसंबर शामिल होगा, फरवरी इसमें शामिल नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं 1953 ईयर में, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यानी कि जनवरी से लेकर फिर आपके अक्टूबर तक यहाँ शामिल हो रहा है, तो यहाँ तो लीप ईयर तो है ही नहीं, तो इसमें फरवरी शामिल 29वां दिन तो आएगा ही नहीं फरवरी का, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। और इसमें संभावना था कि 1952 में लीप ईयर होता है ये, तो फरवरी इसमें 29वां दिन होता है, लेकिन हम लोग अक्टूबर से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर इसमें फरवरी शामिल नहीं हो रहा है। तो इस ये भी लीप ईयर शामिल होने के बावजूद भी फरवरी का 29वां दिन शामिल नहीं हो रहा है, तो यह भी जनरल ईयर के जैसा बिहेव करेगा, तो फिर इसमें भी क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें भी प्लस वन ही आगे हम प्लस करेंगे, तो प्लस वन करते हैं तो इसमें हमारा आंसर ट्यूजडे ही होगा, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों ने प्राप्त किया। फिर उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 20 फरवरी 2004 को संडे है यानी कि रविवार है, तो उसी प्रकार 20 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। आप इसमें देखिए, अगर 2004 और 2005 की चर्चा किया जाए तो यह जनरल ईयर है और यह लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है। लीप ईयर के बारे में आप जानते हैं, कैसे पता करते हैं कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर 4 से डिवाइड करने के बाद वह पूरी तरह से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो फिर वह लीप ईयर होगा। तो 2004 4 से डिवाइड किया जाए तो पूरी तरह से कट जाएगा, ये आपका लीप ईयर होगा। 1952 ये भी लीप ईयर था, 52 क्योंकि 4 से कट जाएगा तो ये भी लीप ईयर था, बाकी कहीं भी नहीं था। 2004 हमारा लीप ईयर है, मेन मुद्दा हमारा 2004 यह लीप ईयर है, और इस लीप ईयर 2004 में हम 20 फरवरी से आगे बढ़ रहे हैं और यह जा रहे हैं 2005 में 20 फरवरी तक। तो सोचिए जब हम 20 फरवरी से आगे बढ़ रहे हैं 2004 में, तो 29वां फरवरी तो आएगा ही, जब 29वां फरवरी यहां पर आ गया यानी कि लीप ईयर का फरवरी का 29वां दिन शामिल हो गया, तो फिर यहां दो दिन का लफड़ा आएगा, यानी कि इसमें कितना दिन शामिल होगा, 366 दिन होगा, जिसमें आप जानते हैं इसका ऑड डे कितना हो जाएगा, यानी कि 52 सप्ताह और फिर कितना प्लस 2 डे हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा इस तरह से, दो दिन इसका ऑड डे हो जाता है, तो दो दिन ऑड डे जब होगा तो फिर इसमें आगे बढ़ना है, तो इसमें दो दिन हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो दो दिन जोड़ देते हैं तो संडे से दो दिन आगे क्या होगा, यह भी आपका ट्यूजडे होगा, यानी कि मंगलवार ट्यूजडे। तो इस तरह से तीसरा का आंसर भी हमारा ट्यूजडे आया, पहला का भी ट्यूजडे आया, दूसरा का भी ट्यूजडे आया, यहाँ पर एक एक दिन कैसे जोड़ा गया, यहाँ पर दो दिन का लफड़ा कैसे आया, ये भी आपको पता चला। फिर उसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन को अगर करते हैं तो यह 5 सितंबर 1948 को कह रहा है कि फ्राइडे है, तो फिर 5 सितंबर 1947 को कौन सा दिन होगा, यहाँ पर पीछे जाना है, 48 से 47 में जाना है। अब सोचिए 1948 लीप ईयर है या नहीं है, 1948 यह क्या है, लीप ईयर है। जब यह लीप ईयर है तो फिर हमारा दूसरा प्रश्न इसमें आएगा, हम लोग सोचेंगे कि जब लीप ईयर है तो इसका क्या फरवरी का 29वां दिन शामिल हो रहा है, तो कैसे हम समझेंगे यहाँ पर फरवरी का 29वां दिन शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सोचिए 1948 से हमको 1947 में जाना है,
और कहाँ सितंबर से पीछे जाना है। जब सितंबर से पीछे जाना है तो उसमें सितंबर के पीछे तो फरवरी आएगा ही, तो 1948 में हम लोग फरवरी शामिल कर लिए यानी कि इसमें शामिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 1947 में चले जाएंगे तो यह दिसंबर से सितंबर तक यहाँ पर शामिल हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें भी लीप ईयर का फरवरी का 29वां दिन शामिल हो रहा है, तो यहाँ भी 366 दिन होगा और 366 दिन का और डे दो होगा, और वह दो क्या करेंगे यहाँ पर अब माइनस करेंगे, दो दिन यहां पर माइनस करेंगे। अब क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमको पीछे जाना है, 1948 से 1947 में जाना है, पीछे जाना है, तो दो दिन का यहां लफड़ा आया, 366 दिन शामिल होता है तो दो दिन और दिन और दिन होता है, तो उसको हम दो दिन क्या करेंगे माइनस करेंगे। और फ्राइडे में दो दिन जब हम माइनस करते हैं तो वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे यानी कि बुधवार आ जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को इसमें बहुत आसानी से प्लस वन प्लस टू करके या माइनस वन या माइनस टू करके हम लोग इसको सॉल्व किए। जब भी किसी वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं और उसमें 365 दिन शामिल होता है तो एक दिन आगे बढ़ेंगे, या किसी वर्ष से हम एक साल पीछे जाते हैं और उसमें 365 दिन ही शामिल होते हैं तो फिर उसमें भी एक दिन हम पीछे जाएंगे, या किसी भी वर्ष से हम अगले वर्ष में जाते हैं जिसमें 366 दिन शामिल होता है तो उसमें दो दिन आगे बढ़ना है, या किसी भी वर्ष से हम पीछे एक वर्ष जाते हैं जिसमें 366 दिन शामिल होता है तो उसमें भी दो दिन पीछे जाना होगा। मतलब लीप ईयर शामिल अगर होता है, और लीप ईयर से भी सिर्फ मतलब नहीं है, लीप ईयर में फरवरी का 29वां दिन शामिल होता है तो फिर उसमें क्या होगा, दो दिन का लफड़ा, पीछे जाना है तो दो दिन घटाएंगे, आगे जाना है तो दो दिन बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने इसमें एक एक वर्ष का यहाँ पर हम लोगों ने इसका कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला, इसका निष्कर्ष निकाला क्या होगा कैसे होगा। इस प्रकार यह आपका टाइप टू जो है समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग तीसरा टाइप पढ़ेंगे तो उसमें होगा क्या कि यहाँ पर एक एक साल का डिफरेंट था, उसमें 10-10 साल का डिफरेंट होगा, 20 साल का डिफरेंट होगा, 15 साल का डिफरेंट होगा, 5 साल का डिफरेंट होगा, तो वैसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, और वो भी जो भी डिफरेंट होगा वो सेम डेट में होगा, तो उसका अगला वीडियो हम लोग अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें। थैंक यू।